माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। और बस लास्ट मिनट की जो इनकी तैयारियां और पैकिंग है ना, वो चल रही है, क्योंकि आप सबको पता है अम्मी और शान पाकिस्तान जा रहे हैं, शादी भी है और कुछ शान के अपने कुछ जरूरी काम भी हैं उस सिलसिले में। तो अभी जो है ना, एक गाँव वाला आपको पता है घर बांध रहा है, उसके सिलसिले में कुछ काम है। तो हम लोग क्योंकि अब्बू और शान के अलावा ना, हमारी पूरी फैमिली माशाल्लाह जो है ना, एक एक जो फैमिली मेंबर है ना, वो इस साल पाकिस्तान से होके आए। अब्बू क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो जाती है ज्यादा, मोस्टली वो पाकिस्तान वगैरह ज्यादा रहे तो वो तो जाते काम में। और लास्ट टाइम जब वो गए थे ना 3 साल पहले, उन्हें इतना सीवियर कोविड हुआ था कि वो अब बेचारे डरते भी कोशिश करते हैं कि मैं ना बस अपने ही छोटा मोटा जो मेरा इधर का सिस्टम है वही रहे, ज्यादा ना करूँ। तो इसलिए अम्मी और शान जा रहे हैं, बच्चों के स्कूलों का सारा सिलसिला है, बच्चों के पेपर्स चीजें वो रिन्यू हो रही हैं। तो बच्चे अभी दोनों जो है ना, ये तो ट्रैवल नहीं कर सकते थे, तो इनकी वजह से मैंने भी नहीं जाना, तो ये सिर्फ रीजन है। तो बाकी जो है ना, अभी जो है यार मेरे सामने टेबल देख रहे हैं, ये सब चीजें हमने करनी है पैक। हालांकि ये जा तो कुछ हफ्तों के लिए रहे हैं, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली जब जाना होता है तो उस वक्त जो है ना, अब क्योंकि सर्दियां, हम लास्ट टाइम जब गए थे तो हम लोग ना ऑलिव ऑयल और ड्राई फ्रूट्स और कुछ चीजें जो है ना वो नहीं लेके गए थे। ऑब्वियसली कुछ चीजें जब बंदा वहां रहता है ना तो पता चलती है, जैसे अब अम्मी के सारे बहन भाई हैं, अब्बू के बहन भाई हैं, शान का सारा फ्रेंड सर्कल है, घर में जफर है, तो वो सारी चीजें जो है ना वो अब सबके जो है ना बकायदा फिर से गिफ्ट जाने हैं। हमारी फैमिली को खैर सभी करते हैं, जो बाहर से जाता है वो गिफ्ट ऑब्वियसली पाकिस्तान भी लेके जाते हैं, वहां से आते हुए यहाँ के लिए शॉपिंग हो जाती है। और हमारी फैमिली को थोड़ी आदत भी ज्यादा है गिफ्ट देने की, चीजें देने की। तो अभी जो है मैंने सोचा, और जफर के लिए भी ना गिफ्ट वगैरह लिए हैं सबने, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ना ये 2 फ्राई पैन लिए, ये तो खैर मेरी छोटी खाला जो हमारे घर में शिफ्ट हुई है ना, ये उनके लिए दोनों लिए। तो बाकी बस पैकिंग में कुछ कॉर्नफ्लेक्स वगैरह है, ये अपने ब्रेकफास्ट के लिए लिए हैं। कुछ और सा स्पेशलिटी जो जानी है ना, वो जा रहा है जी सबके लिए ऑलिव ऑयल, ये मेरा ख्याल है 14-15 इन्होंने ना बोतलें ली हैं। स्पेन का जो है ना एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल, दोनों ऑलिव जो है, ऑलिव हो गए और ऑलिव ऑयल हो गया, बहुत मशहूर है ये, बड़ा स्पेशल गिफ्ट है किसी को देने के लिए, तो हम वैसे एक्स्ट्रा वर्जन ही लेते हैं। ये सारा इनका ऑयल पड़ा है। और ये जो है जना, ये तो हमारे हैं यार, ये हमारे घर का सामान इधर आया हुआ है। ये हम लोग ना कल कुछ सालसास वगैरह लाए थे, सॉसेज जो है ये अपने उसके लिए खाने पीने के लिए। कुछ ये जो है ना शैम्पूज वगैरह हैं, ये शैम्पू मैं लेके गई थी अगस्त में, तो लेकिन सबको इतने अच्छे लगे थे कि फिर अब हम दोबारा लेके गए हैं। तो अब जो है ना ये फिर जा रहे हैं, कुछ ये वाली बॉटल्स हैं, कुछ ये वाले शैम्पूज हैं, तो ये जाएंगे बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें। लॉलीपॉप हो गए, कैंडीज हो गई, ये अम्मी ने ना टावल वगैरह लिए, ये घर के लिए टावल है, क्योंकि शान के जो है ना कुछ फॉरनर जो फ्रेंड्स हैं ना, मतलब जो स्पेनिश है, वो भी साथ जा रहे हैं, और एक दो लोगों ने घर पे ही स्टे करना है, शान के साथ ही उन्होंने रहना है। तो यहाँ पे कुछ चॉकलेट्स वगैरह आ गई हैं, कुछ तो नहीं, खैर अम्मी ने काफ़ी ले लिया थी। अभी ना हमें ये नहीं समझ आ रही कि ये सारा सामान जो है ना, क्योंकि अम्मी के ऑलरेडी 4 बैग बन चुके हैं और 2 बैग ये मजीद और बना सकते हैं, और इनकी जो टिकट है ना उसके अकॉर्डिंग ये है कि ले जा ये झेल सकते हैं 6 बैग्स, मतलब ये 3 लोगों का सामान हम इकट्ठा बता रहे हैं। जब लेकिन इन्होंने वापस आना है ना, तो इन्होंने एक एक ही बैग लेके आना, फिर ये ज्यादा नहीं ला सकते। तो ये सारा जो है ना, ये पिंक सॉल्ट लिया है जनाब, और यहाँ में खैर ना ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। इस दफा ना बादाम जो है ना, ये वाले हमने लिए हैं जो छिले भी होते हैं, अखरोट हो गए, बादाम हो गए। उसके बाद ये अम्मी ने खैर ना खाला के लिए कुछ रस और कुछ शुगर फ्री चीज़ें, तो ये सारा जो है ना माशाल्लाह इनका जो कार्टन पड़ा ना, ये तो सारा ही फैट ड्राई फ्रूट, इधर सारा ही ड्राई फ्रूट पड़ा पिस्तों की सफाई, ये वाली कार्टन। तो ये हो गया जनाब, ये यहाँ की हो गई चीज़ें। और यहाँ पे ना कुछ इस तरह के ना ऑलिव्स वगैरह लिए हैं टिन पैकिंग में ना, ये भी गिफ्ट देने के लिए। यहाँ कुछ आ गई बॉडी वॉश वगैरह। अच्छा, जो लोग मुझे ये कहते हैं कि जी इतनी शॉपिंग करनी होती है, अभी गए हैं इतना सामान लेके गए हैं, बेसिकली होता ये है कि जब भी जाना होता है, ये तो बाई चांस इस दफा, वैसे जब हम पाकिस्तान जाते हैं ना और वापस आते हैं, फिर मिनिमम 1 साल का हमारा ना गैप होता ही होता है, क्योंकि आके पेपर चीजें काफी कुछ ऐसा होता है। मम्मी की जैसे मेडिकल अपॉइंटमेंट्स इस वीक की थी, लेकिन वो नेक्स्ट मंथ पे शिफ्ट कराई, तो इतना कुछ होता है लाइफ में करने वाला, यहाँ आके भी दोबारा वापस, क्योंकि अब हम लोग जो है जी ओवरसीज पाकिस्तानी, तो जब आना जाना होता है ना हमने, तो फिर इतने गिफ्ट, क्योंकि माशाल्लाह हमारा जो फैमिली का फ्रेंड्स का सारा सर्कल है वो बहुत बड़ा है। अभी मुझे कल ये लग रहा था कि ये सामान बहुत ज्यादा है, लेकिन ये सामान अब जैसे जैसे सोचते हैं ना कि किसको क्या दे रहे हैं,
तो ये दो दो तीन तीन चीजें एक एक फैमिली में घर में जाती हैं, तो ये सामान सारा पूरा हो जाता है। तो अभी जो है ना अम्मा जी के लिए, तो खैर मैंने इस दफा डिसाइड किया था क्योंकि वो इनमें से ड्राई फ्रूट वगैरह खैर जफर का भी है, अम्मा जी के लिए भी भेजना है। बाकी है ना कि हम लोग, मैं जब जाऊँ कपड़े जूते या ज्यादा, मोस्टली हम ये कोशिश करते हैं कि उन्हें मैं पैसे या अम्मी चाहे पैसे वगैरह देते हैं ताकि उनका ना वो अपनी मर्जी से कुछ ले सके, क्योंकि उनका सिस्टम ऐसा है कि वो अपनी मर्जी से ज्यादा कंफर्टेबल रहती हैं। परफ्यूम्स अभी खैर शान के आने, और इस दफा माशाल्लाह शान जा रहा है तो तैयारी इस हिसाब से भी अभी उसकी चीजें इसमें नहीं है। अच्छा, जफर के लिए एक दो चीजें और है, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, जफर के लिए जो है ना वो एक ली है हमने पफर जैकेट भी, क्योंकि आपको पता है कि खैर सर्दी जब पाकिस्तान होती है बहुत ज्यादा होती है, तो ये एक ले लिया कि चलो ऑफिस में पहन सकते हैं। एक ये जैकेट हो गई है, और साथ एक ये जैकेट और ली है, ये इन्होंने और गिफ्ट करनी है। तो ये हो गई जैकेट्स तो लाए थे, और यहाँ की पफर जैकेट्स बहुत अच्छी और बहुत वार्म होती हैं। यहाँ पे कुछ जो है ना कुछ और चीज़ें आ गई हैं कॉस्मेटिक्स की। अच्छा, इसमें ना काफ़ी सारे लोगों के डिफरेंट चीज़ें हैं, इसमें से सदीका और सानिया को भी मिलनी है, मेरी कजन्स की भी हैं। यहाँ पे कुछ लोशन वगैरह लेनी है, और कुछ ये कंसीलर हो गया, मस्कारा हो गया, ये मस्कारा बहुत अच्छा है यहाँ का, ये कंडीशनर ये अम्मी यूज़ करती हैं। उसके बाद ये एक नाइट क्रीम हो गई, ये नाइट क्रीम्स भी यहाँ की बड़ी अच्छी हैं। और अच्छा, छोटा छोटा भी ना पूरा ही नहीं होती चीज़ें यहाँ पे। अब ये जैसे मेकअप किट है ना, तो ये सदीका के लिए ली है, ये लिपस्टिक भी उसके लिए ली है। उसके बाद जनाब ये कलर मेरी छोटी खाला है, उन्होंने डिमांड किया था, मैं लगाती हूँ ऐसे कलर्स डार्क डार्क से, उन्होंने कहा जो कलर तुम लगाती हो मैंने वैसा लेना है। तो ये मैं कल ना ढूंढ के, ये शेड ना मुझे किसी और ब्रांड में नहीं मिला, लेकिन ये है कि ये मैट लिपस्टिक और ये कलर जो है ना, जो कलर हम चाहते थे वो मिल गया। ये देखें, ये भी मिल गया, ठीक है। उसके बाद जनाब खैर ये तो हमारे घर का फेस वॉश है, हमारे घर में ये फेस वॉश यूज होता है वो है। तो करते करते जो है ना छोटी मोटी काफ़ी सारी चीज़ें और आ गई हैं। पहले वाला सारा मेकअप बैग कपड़े चीज़ें ऑलरेडी पैक्ड हैं, अब दो बैग्स रह गए हैं जिसमें ये सब चीज़ें जाएंगी। और फिर एक दफ़ा कहने लगी, जो लोग ये कहते हैं आप इतनी शॉपिंग करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो वैसे भी तोहफे तहफ देने से भी जो है वो मोहब्बत बढ़ती है, और फिर ये होता है कि कोशिश होती है सबकी। खैर मैं अपनी बात नहीं करती हूं, बहुत लोगों को यहाँ देखते हैं कि जो जो पाकिस्तान जाता है या पाकिस्तान से आता है तो तोहफे तहफ का सिलसिला ऐसे ही रहता है। तो अभी तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत कम है, इस दफा कोई कपड़े कोई जूते कोई इस तरह की चीज किसी की भी नहीं ली, सिर्फ ये इस दफा की है क्योंकि सर्दी है। ऑलिव ऑयल ड्राई फ्रूट्स और ये सब जो मेकअप वगैरह यहाँ का अच्छा है, और ये जरूरी जरूरी चीजें ली हैं कि चलो सबको दी जाएंगे। अभी बस ये कि थोड़ी देर में शान ने परफ्यूम्स वगैरह लेके आने हैं, तो बस ये करनी है इनकी पैकिंग। और जफर के लिए हमारे माइंड में जो था ना कि चलो पफर जैकेट भी चली जाएगी, ड्राई फ्रूट्स हो गए, चॉकलेट्स हो गई, जफर का परफ्यूम भी है, क्योंकि जफर से जब पूछे आपने क्या लेना है तो वो अब कहते हैं कि बॉडी स्प्रे या परफ्यूम चाहिए। बाकी है कि जैकेट में अब देख के आई थी कि उनकी ना जैकेट की जिप खराब हो गई हुई थी, तो इसलिए ना ये फिर हमने जफर की तो फुल स्लीव ले लिया। तो बस इस सारे सामान को हम करने लगे हैं जी पैक। और अभी क्योंकि आजकल पैकिंग, आजकल मेरी रूटीन बड़ी टफ है, सुबह 7:30 बजे उठना होता है, हुसैन का स्कूल यहाँ से बहुत दूर है, मतलब समझे कि आधे घंटे की ड्राइव पे, या फिर सुबह उठ के इसे नाश्ता करवा के लंच बना के रेडी करके मैं और शान इसे छोड़ के आते हैं, उसकी भी बेचारे की नींद नहीं पूरी होती। फिर अभी हम घर वापस आते ही हैं तो इसका लंच रेडी करती हूँ, तो फिर हमारा दोबारा इसे लेने का टाइम हो जाता है, सोया भी नहीं जा रहा, 4-4, 5-5 घंटे में नींद नहीं पूरी होती। कल भी पहले ये सारा सामान लेके आए अम्मी और शान के साथ जाके, फिर हम वापस आए तो फिर हम दोबारा जो है ना अम्मी और बच्चों को घर छोड़ा, फिर दोबारा ये लोशन और ये सब चीजें रहती थी वो लेके आए हैं, और अभी अंदर भी इसी तरह पैलेट्स कुछ मैं अंदर रखाई थी, बल्ली और हयाम नहीं छोड़ती। तो बहरहाल ये बस सामान है, गिव अवे है, मीटअप है, ऐसे जैसे ये सारा मेकअप है चीजें हैं, जैसे ही नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अभी ये थोड़े दिनों के लिए जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगी, अभी हमने ग्रैंड मीटअप भी रखना है जनवरी फरवरी में, जितनी पॉसिबिलिटी हुई, हो सकता है कि हम लाहौर या किसी और शहर में रख लें जहां सब मोस्टली लोगों को करीब पड़े। अभी जाऊंगी नमाज भाई से सबसे बात करके ना, फिर जो है वो एक सोचेंगे, और गिव अवे में जो मैंने प्रॉमिस किया था मेकअप का चीजों का, वो भी गिफ्ट्स भी जरूर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो शान की चल रही थी पैकिंग, तो मैंने सोचा आपको ना ये भी आके पहले चीजें दिखाती हूँ। ये जनाब शान का बर्थडे गिफ्ट है जनाब, और मुझे लग रहा है डब्बा ही घर लाया हुआ, इसके अंदर लग कुछ नहीं रहा, मुझे देखा ही नहीं मैं 2-3 दिन से ना। हाँ जी, डब्बा ही आया हुआ बेटा, ये सारे हमें खुश हो रहे थे, मैकबुक हरा आ गई, डब्बा ही आया। तो चले कोई बात नहीं,
अच्छा जी, यहाँ पे ना आप शान ने भी लिए थे शादी के लिए दो पेंट कोट, एक तो ब्लैक कलर का है क्योंकि ना शान का भी हम लोगों ने ना हैंड कैरी करना है रेडी, क्योंकि उसने ना अम्मी ने माशाल्लाह इतना सामान इकट्ठा कर लिया कि वो बेचारा जो है ना वो हैंड कैरी पे आ गया। तो ये लिया जनाब शान ने व्हाइट शर्ट, ये वाला ब्लैक पेंट कोट, और अभी जो है ना एक अदद ये वाला पार्सल आया हुआ है, ये खोल लेते हैं ये क्या है। असल में वो रेस्टोरेंट्स में बिजी इतना ज्यादा होता है ना कि उस बेचारे को इस दफा ना हालांकि वो शॉपिंग करता होता है अपनी लारोका विलेज से, और हमारे घर में ना शान और अम्मी दो लोग ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस भी हैं, मतलब ये ज्यादा कोशिश करते हैं कि ब्रांड्स और चीजें हों। मुझे लग रहा है ये भी इसका पेंट के लिए, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा जी, ये कलर कितना प्यारा लिया है इसने, बहुत अच्छा है ये देखें। असल में वैसे तो ना अम्मी ने शान की ना जितनी सलवारें कमीजें हैं ना वो वहां पर सिलवा ली है, वेरी ब्यूटीफुल। देखिए कलर है, शान वैसे वीक हो गया, मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ रही थी। असल में बेसिकली यहाँ पे जो स्पेन में होता है ना गर्मियों का होता है सीजन, यानी कि गर्मियों के आप कह लो कि अब मार्च से स्टार्ट हो के ना तो अक्टूबर तक ये जो महीने होते हैं इसमें इतने टूरिस्ट आते हैं, इतने टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट प्लेस है क्योंकि बार्सिलोना तो लोग ज्यादा आते हैं बीच वगैरह पे, इस दफा खैर अमेरिकन कप भी था। तो शान के पास जो है वो 7 से 8 रेस्टोरेंट है, फिर सुपर मार्केट है, फिर उसका माशाल्लाह लेमोजीन्स का काम है, जेट्सकी का इतने काम है, वो फिर ये कि वो ना प्रॉपर समटाइम्स ये होता है वो कभी खाना भूल जाता है कभी नाश्ता भूल जाता है। ऑब्वियसली यहाँ बहुत ज्यादा ये जो लोगों को अक्सर मसला होता है ना, आप तो बड़े अमीर हैं तो आप ऐसे शॉपिंग्स कर रहे हैं, ये बात नहीं है, इन सब चीजों के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत है, बहुत ज्यादा शान मेहनत करता है। अगर देखा जाए तो हनी की बहुत सख्त जॉब है, फिर अब्बू मेरे हैं वो माशाल्लाह अभी भी, हालांकि वो हार्ट पेशेंट है, आप उनके के देखे वो कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इस दफा भी आए थे लेकिन वो भी घर नहीं बैठते, उनको भी होता है कि मेरा एक एक मिनट यूटिलाइज हो। बच्चे हैं स्पेशली मैं या मेरे बच्चे हैं, बहुत सारे टैक्सीज यहाँ पे हैं, बहुत सारे मामलात हैं, तो फिर ये होता है कि वो फिर अब्बू बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और मोस्टली महीने में 18 से 20 दिन उनकी फ्लाइट ही होती है, उन्होंने किसी ना किसी और कंट्री में किसी लेक्चर के लिए, किसी मीटिंग के लिए, मजालिस के लिए, मिलाद के लिए उन्होंने जाना होता है। फिर जफर है उधर, उनके अपने हिसाब की जॉब है, यानी कि हर माह औरतें हमारे घर की काम शाम नहीं करती, वो घरों के काम ही करती हैं। खैर पाकिस्तान हो हम हो तो वहां तो अपने शश के होते हैं, यहाँ हम आए तो हम घर के सारा दिन हमने बाथरूम भी धोने, हमने किचन भी साफ करने, हमने बच्चों को भी खुद रेडी करना है, बाहर का सामान भी हमने खुद लाना है। तो हर बंदे का यहाँ अपनी अपनी जगह पे काम है और अपनी अपनी जगह पे हर बंदे की मेहनत है, ये सब कुछ स्टैंडर्ड पे स्टेटस पे आके बंदा ऐसे नहीं बैठता। इसके पीछे हमारे घर के जो बंदे हैं उनकी 16-16, 18-18 घंटे की मेहनत है, ठीक है जी। और सीधा हमारी ये एक आदत है कि हम अकेले नहीं खाते, या कि मिल बांट के सबका एहसास भी करते हैं, ख्याल भी करते हैं, जो हमसे पॉसिबल होता है जितनी अल्लाह ताला हमें तो सीख दे, तो वो ये है कि हम कोशिश करते हैं कि एहसास ख्याल होना चाहिए। ये मेरे अम्मी अब्बू में बहुत ज्यादा हैबिट थी, आगे से उन्होंने हम तीनों बहन भाइयों में भी ये चीज बहुत ज्यादा डाली है कि इर्द गिर्द जो नजर आए जिसको जरूरत आप लग समझते हो कि हो तो उनकी हेल्प करें या अच्छा करने की कोशिश करें। तो बस अब शान के कपड़े सारा सामान चीजें पैक करनी है, और अभी आज के दिन में भी इनकी पैकिंग कंप्लीट होगी, फिर हमारी एक दो और कमिटमेंट्स हैं वो करनी है। आज शान अपना फोन भी घर ही छोड़ गया, अभी हम चाहते थे क्या इस दफा ना हम ये घर बदलें क्योंकि हमारा फर्नीचर चेंज होने वाला है, हमारे घर में काम बहुत होने वाले, लेकिन इस दफा हयाम और हुसैन के स्कूल की वजह से ना अभी कुछ महीने हम ये घर नहीं चेंज करेंगे, जफर के आने पे हमारा जो है ना वो घर चेंज होगा। तो बस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपसे मिलेंगे कल इंशाल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।